हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आवारा टेक्निकल में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको चैनल की सिक्योरिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। जो हमने पहले भी वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे दोस्तों, ये है कंटिन्यू सिक्योरिंग योर अकाउंट। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एक तरीके से। जिसके अकाउंट पर ये प्रॉब्लम आ जाती है उसका चैनल मतलब सिक्योर नहीं है पूरी तरह। और दोस्तों, ये प्रॉब्लम आसानी से जाती भी नहीं है। और दोस्तों, इस प्रॉब्लम को लेकर चैनल मोनेटाइज भी नहीं हो सकता। तो चलिए आज हम इस पर पूरी तरह बात कर लेते हैं, क्या है प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व होगी और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए सारी बात आज इस वीडियो में कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या करना है, लेकिन दोस्तों वो वीडियो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और अब लोगों को समझ में भी नहीं आती है पूरी तरह। और लोगों ने कमेंट भी किए हैं मेरी वीडियो पर कि इस पर दूसरी वीडियो बनाई जाए, सही से समझ में नहीं आ रही है या फिर कुछ और। और दोस्तों, यूट्यूब पर ऐसी वीडियो भी नहीं है कोई इस टॉपिक पर कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन हो पाए। तो चलिए आज हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे या आपके चैनल पर ही नहीं आई है, ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के चैनल पर आई होगी। और इंडिया में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं टेक कैटेगरी में दोस्तों, जो यूट्यूब सेटिंग्स के बारे में बताते हैं, यूट्यूब चैनल के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, उनके पास भी लेकर गए होंगे बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने भी इस प्रॉब्लम पर कोई वीडियो नहीं बनाई है। क्यों, ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा दोस्तों इसलिए है क्योंकि इस प्रॉब्लम का कोई मेन रीज़न नहीं है कि उस पर क्लिक कर दो और ये प्रॉब्लम हट जाए, ऐसा कोई मेन रीज़न नहीं है। क्या रीज़न है फिर इसका? मतलब है दोस्तों, आपका चैनल पूरी तरह सिक्योर नहीं है। तो चलिए, आपको कैसे सिक्योर करना है और इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाना है हमेशा के लिए, तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ध्यान करना है कि आपने इस ईमेल को कितने फ़ोनों में लॉगिन कर रखा है। आपने अगर एक फ़ोन से ज़्यादा फ़ोनों में लॉगिन कर रखा है तो वहाँ से आप इस ईमेल को रिमूव कर दें। आपको केवल एक फ़ोन में ही इस ईमेल को लॉगिन करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड रीसेट कर देना है। और दोस्तों, पासवर्ड ऐसा डालना है, मतलब इजी पासवर्ड नहीं डालना है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड पासवर्ड बनाना है, जैसे इस तरीके का आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का आपको पासवर्ड बनाना है। और उसके बाद आपको पासवर्ड बार बार चेंज नहीं करना है। ये दोस्तों, ये प्रॉब्लम कुछ तो इसी वजह से आ जाती है। पहले मेरे चैनल पर भी थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैंने उसमें भी बताया था कि मेरे इसी चैनल पर ये प्रॉब्लम थी जिस पर ये वीडियो मैंने पोस्ट की है। मतलब आपको बार बार पासवर्ड चेंज नहीं करना है, एक बार आपको पासवर्ड चेंज कर देना है और हार्ड पासवर्ड लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, दूसरी सेटिंग, आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन करना है। दोस्तों, बहुत से लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। क्या करना है, मतलब आपको फ़ोन नंबर उससे लिंक करना है अपनी आईडी से, उसके बाद आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद भी दोस्तों, इसकी ये भी रीज़न हो सकता है इस प्रॉब्लम का। तो दोस्तों, आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन करके रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें रिकवरी एक ईमेल आईडी आती है, चलिए मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। जैसे ही आप गूगल पे जाओगे और यहाँ से आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहीं पर वो प्रॉब्लम देखने को मिल जाती होगी। इधर जाएंगे सिक्योरिटी पर और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रिकवरी ईमेल। ये मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है इसलिए मैंने इसमें कोई रिकवरी ईमेल ऐड नहीं की है। दोस्तों, आप इसमें रिकवरी ईमेल ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, वो ईमेल आईडी दूसरे फ़ोन में लॉगिन होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी। कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी में जैसे ही जाएंगे आप, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी में दोस्तों आपकी दूसरी वो वाली ईमेल आईडी नहीं डालनी है जो चैनल की है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट ईमेल पर वही वाली ईमेल दे देते हैं जो जिससे हमारा चैनल बना हुआ है। दोस्तों, उससे चैनल हैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जब ईमेल पहुंच जाएगी कॉन्टैक्ट ईमेल पे आप दोगे तो वो दूसरे के पास पहुंच जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखना है आपको अपनी ईमेल आईडी में, योर कनेक्शंस टू थर्ड पार्टी ऐप एंड सर्विसेज। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। सी आल कनेक्शंस पर क्लिक कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो थर्ड पार्टी ऐप को मैंने अलाउ कर रखा है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपने हो सकता है बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप को अलाउ कर रखा होगा, वहाँ से आप बिल्कुल रिमूव कर देना है सारे के सारे। चलिए, मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ। मेरा ये पर्सनल अकाउंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी मैं अपने पर्सनल अकाउंट में किसी को भी अलाउ नहीं करता हूँ।
यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट ऑल कनेक्शंस दैट यू हैव विद गेट कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये एक ऐप यहाँ से हट गया, मतलब जो अलाउ कर रखा था हमने वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था, वो वहाँ से हट गया है वो। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको भी हटा देंगे। ये वैसे फ़ोटो वाला है ये लाइट रूम, लेकिन मैं इसे भी हटा दे रहा हूँ। आप इसी तरह वहाँ से सारा का सारा क्लियर कर देना है। चलिए ये क्लियर बिल्कुल हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया जीरो टोटल ऐप एंड सर्विसेज, यहाँ से बैक होंगे और ये हट गया। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन देखना है, ये वाला योर सेव्ड पासवर्ड। दोस्तों इसमें क्या आता है, जैसे हमने किसी भी ऐप को लॉगिन किया और उसमें पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो उसमें एकदम सेव करने को ऑप्शन आ जाता है, सेव करें, और हम उस पर क्लिक कर देते हैं तो वो हो जाता है सेव, वो यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर मैंने कोई पासवर्ड सेव नहीं करके रखा है। यहाँ पर दोस्तों आपको एकदम लाइन लगी मिलेगी पासवर्ड की, वो आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर देना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है, एक भी पासवर्ड सेव नहीं है उसी तरह से। तो दोस्तों इतना आप जब कर लोगे पूरी तरह तो आपका चैनल एकदम सिक्योर नहीं हो जाएगा, मतलब सिक्योर तो हो जाएगा लेकिन ये प्रॉब्लम एकदम से नहीं हटेगी। इसके लिए आपको 1 सप्ताह से 1 महीने तक वेट करना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर अंदर दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके चैनल से पूरी तरह हट जाएगी और आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, योर अकाउंट इज प्रोटेक्टेड। दोस्तों इस तरीके का आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपका चैनल पूरी तरह सिक्योर हो जाएगा। दोस्तों यही तरीका है जिससे आप ये प्रॉब्लम अपने चैनल से हटा सकते हैं, और कोई भी तरीका नहीं है। अगर कोई तरीका होता तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो होती, आपने बहुत सारी वीडियो देख भी ली होगी पहले भी, ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिससे आपकी कोई भी हेल्प हो पाई हो। तो दोस्तों यही तरीका है, ऐसे ही आपकी हेल्प हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है। दोस्तों मैंने जो जो बताया है, जैसे रिकवरी ईमेल आईडी कैसे ऐड करनी है और कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी कहाँ पे कैसे ऐड करनी है, वो आपको अगर नहीं समझ में आ रही है ना तो आप कमेंट कर दें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे रिकवरी ईमेल आईडी लगानी है और कैसे कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी लगानी है और कहाँ पर लगानी है। ठीक है, जो भी मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है ना आप कमेंट में बताएंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।